हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पिक्स आर्ट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिक्स आर्ट से हम बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल सिंपल किया था कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें और नया बैकग्राउंड कैसे लगाएं। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी बैकग्राउंड को जब चेंज करते हैं तो क्या हमारे बैकग्राउंड चेंज करने के असूल होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो पिक्चर दिन की है या रात की, उसमें कौन कौन से कलर आते हैं, दिखने को मिलते हैं, तो उस कलर के हिसाब से हम अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं जिस पे हमने काम करना है, वही पिछली पिक्चर। जैसे हम इस पिक्चर पर आते हैं, ये पड़ी है, तो अभी हम थोड़े इसमें भी बोर होने वाले हैं। ये जो ऐड देते हैं हमें, सॉरी इंडेक्स में अपना नेट बंद रखा करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम आए पिक्सआर्ट पर, हम आते हैं बैकग्राउंड पर। आज इतनी बात नहीं होगी जितना काम होगा। तो जैसे हम कट आउट पर आते हैं, इसे क्लिक किया, यहाँ पर पर्सन को क्लिक किया, लो जी हमारा पर्सन जो है वो अब सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे प्रीव्यू करके। हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है, मेरा मतलब ये कहने का। अब ये जो दोस्तों ग्रीन कलर आ रहा है, इसे हमने कैसे रिमूव करना है और एक ऐसी इनके से लुक देनी है कि जैसे यही लगे कि ये बहुत ये इसका रियली बैकग्राउंड है ये वाला। दोस्त अक्सर लोग यही कहें कि नहीं यार, इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, ऐसा काम करके दिखाओ किसी को। तो भी मैं फर्स्ट टाइम ही आपके सामने ये काम करने लगा हूँ। वैसे मैंने बैकग्राउंड बहुत चेंज किया है, इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ बस। तो अब हमें क्या कौन सा टूल लेना पड़ेगा, रेज़र टूल। रेज़र टूल लेके हम इस बैकग्राउंड को रेज़र कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है। रेज़र टूल लिया, अब सारा कुछ इस पर डिपेंड होता है दोस्तों, हार्डनेस पर। ये जो हार्डनेस है ना, इससे ही हम बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर सकते हैं बैकग्राउंड की। हमें इसे 100% नहीं रखना। वो क्यों नहीं रखना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ये देखें, ये बहुत इसने बहुत तेज़ से इसने कट दे दिया, जिससे यही लग रहा है कि ये पिक्चर नकली बैकग्राउंड इसका चेंज हुआ है। जैसे कि कोई स्टिकर होते हैं जो हम इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर डालते हैं। हमें क्या करना है, अपनी हार्डनेस को कम से कम 85 के लगभग रखना है, या 90 के या 85 के लगभग। मैं 85 रखता हूँ। तो यहाँ पर हम ब्रश उस हिसाब से यूज़ करेंगे जिस हिसाब से हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए और हमारा जो टारगेट है वो भी ख़राब ना हो। मैं तकरीबन इतना सा रखूँगा इसको, और इसे मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे, और जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव इसे ज़रा कवर करें कि ये हमने ये क्या काम किया। चले दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ही बारीकी से काम करने वाला है दोस्तों, तो अच्छा काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कहें कि नहीं जी यार, बस एक के हाथ दे सारा काम हो, तो वो दोस्तों बात झूठ है। उससे आप कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। कोई भी काम मेहनत मांगता है। तो जैसे जैसे आपको बड़े ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, आप बड़ा साइज़ कर लें अपने ब्रश का, तो जैसे जैसे छोटे की ज़रूरत पड़ती है छोटा कर लें। तो ये रेज़र टूल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है रेज़र टूल। इस तरह से दोस्तों हम करेंगे अपनी ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव। मैंने इसका ये देखिए साइज़ रखा हुआ है, हार्डनेस का 85। ये तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथली काम कर रहा है। अगर हम इसे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हमें ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल करना है इसे फुल 100% पे। तो दोस्तों आपके सामने देखें, जितना जूम होता है उतना जूम करके इसका काम करें। किसी भी पिक्चर पर आप काम करते हैं, जितना जूम होगा उतनी बारीकी से आपकी बैकग्राउंड रिमूव होगी। सही हो गया। ये यहाँ पर भी मड़ा सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। सॉरी दोस्तों, अगर मेरी आपको उर्दू अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, क्योंकि यार यहाँ मैं गुजरने वाला का रहने वाला हूँ, तो उर्दू ज़रा कम ही बोलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर मुझे ब्रश का साइज़ छोटा करना पड़ेगा।
ये है थोड़ा सा, ये ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और फिर हम इसे यहाँ पर कलम ले लेते हैं ताकि। अब एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आप रेज़र के साथ काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं और ये आपका एक मिसाल कान इतना उतर चुका है रेज़र के साथ, तो आप दोबारा से यहाँ कलम ले सकते हैं, तो कलम के साथ इसे बैकअप ले सकते हैं इसका। ठीक हो गया। तो दोस्तों अभी हमारा बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर ओके हो चुका है, यहाँ भी थोड़ा सा रह चुका है, यहाँ से फिर हम रेज़र टूल लेंगे और साइज़ सही है, साइज़ ओके है इसका बिल्कुल। तो ये नहीं दोस्तों, अभी इस पिक्चर से सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अभी यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। तो अब जो मेन बात आती है कि हमने इस पर बैकग्राउंड कैसे लगाना है, तो दोस्तों जब हमने पिक्चर को यहाँ पर पिक्सआर्ट के अंदर लाए, इसमें एक ग्रीन कलर था, येलो कलर था, और ये दिन के वक्त पिक्चर ली गई। अब हम उसके जैसा कोई बैकग्राउंड लेंगे, तो आज हम बैकग्राउंड जो नेचुरल है वो नहीं लेने वाले, आज हम कलर पे काम करेंगे जो इसके पिक्सआर्ट के अपने कलर हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक किया, पिछली दफ़ा भी हम यहाँ से सारा काम कर रहे थे। तो ये है लेयर पैनल, लेयर पैनल इसे कहा जाता है, एम्प्टी लेयर सेलेक्ट है, इसे हम नीचे ले आएंगे और हमेशा हमें जो अपनी ये पर्सन है जिसके पीछे हम बैकग्राउंड लगाते हैं, उस पर्सन को, उस चीज़ को हमें हमेशा ऊपर ही रखना है। अगर हम उसे नीचे कर देंगे तो ये चेक कीजिएगा, ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो गायब हो जाएगी, ये देखें गायब होगी। अब हम इस यहाँ से हम इसे अंडू कर देंगे, तो अगर हम ये देखें हमारा पर्सन नीचे की तरफ है, ये वो लेयर नीचे है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाली लेयर पे कोई भी कलर कर देंगे तो ऊपर वाली लेयर पर जैसे कलर होगा वो नीचे से गायब हो जाएगी, इसलिए हमें इसे पकड़ के ऊपर ही रखना है हमेशा, ठीक है। तो अभी हम इस बैकग्राउंड पर कौन सा कलर दें वो अभी आपको मैं, यहाँ से हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, वो ग्रीन ग्रीन था और थोड़ा सा येलो येलो था। एक ये चीज़ आती है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई पिक्चर लेते हैं, पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, पिक्चर मेरे पास नेचुरल पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई दोस्तों, तो शायद कोई एक आधी पड़ी हो, देख लेते हैं। ये डाउनलोड की हुई है मैंने, तो यहाँ पर पिक्चर हमें कौन सी चाहिए, ये पिक्चर ठीक रहेगी, ये वाली। तो जैसे मैंने ये पिक्चर ली, इसका साइज़ अब जैसे आपका पिक्चर पहली पिक्चर का साइज़ है उसी पिक्चर के हिसाब से आपने बैकग्राउंड का भी साइज़ लेना है। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लेयर पैनल को हाइड करते हैं, यहाँ पर इस पिक्चर को लगा देते हैं, बहुत अच्छे के साथ लगेगी, प्यारी लगेगी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई यार ये पिक्चर का बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि हमने इस पिक्चर पे काम करना है, किस तरह का बैकग्राउंड लेना है, और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये देखें अभी कोई ग्रीन कलर इसके पास नहीं रहा, ठीक है, इस पिक्चर में। तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे करके भी देख सकते हैं, हमारी पिक्चर अब बिल्कुल ओके है। यहाँ पर हम लेयर पैनल पे आते हैं, ये है हमारी पिक्स बैकग्राउंड। तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर जो इसके हेड है हमारे पर्सन का, उस पर थोड़ा सा हम लाइट कलर देना चाहते हैं पीछे से। तो आज इस ब्रश टूल को भी हम यूज़ करके देखेंगे, यहाँ पर इसके ओपेसिटी 100% कर देते हैं, यहाँ से कोई भी ब्रश ले लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा, इसके ओपेसिटी इतनी कर दी। अभी इसका सेलेक्ट कलर है ब्लैक, ये देखें ब्लैक कलर है ना इसका। तो यहाँ कलर्स पर हम आएंगे, तो इस चीज़ को लेंगे हम, ये जो कलर पिकअप करता है इसको हमने क्लिक किया। अब हमें कलर जिस तरह का भी चाहिएगा ये कलर हमें वहाँ यहाँ से ढूंढ के दे देगा,
ताकि हमारा कलर सेम सेम उसके साथ। यहाँ से ये वाला कलर दे देंगे इसकी शर्ट का, फुल वाइट कलर चाहिए, ये आ गया। दोस्तों कलर तो हम वाइट यहाँ से भी ले सकते थे, पर ये ऑप्शन बहुत मज़े की है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, लेयर को लेके आते हैं। एक हम यहाँ से एक लेयर और लेंगे, इसे यहाँ पे क्लिक किया, एम्प्टी लेयर लेते हैं और एम्प्टी लेयर को हम इसके दरमियान में ले आते हैं। दरमियान में जैसे लेयर करते हैं तो ये हमारा ब्रश है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे लगा देते हैं। इसका कोई मकसद नहीं लगाने का, बस मैं आपको ये ब्रश का इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा था कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमारी पिक्चर वैसे ही बम्बा बन चुकी है दोस्तों, कभी बन चुकी है इसकी, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। आप अपनी पिक्चर का भी अगर साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और सॉरी जिस तरह का भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा। अब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने सेव ड्राफ्ट करना है, एक्सपोर्ट वीडियो करनी है, एक्सपोर्ट गिफ्ट बनाना है। जैसे जैसे जो भी हमने काम किया था वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था, जैसे जैसे भी हमने काम किया, किसी बैकग्राउंड को हिलाया, इसका वीडियो भी बन चुका है और इसकी गिफ्ट फाइल भी बन सकती है। आप जैसे इसे चाहें वैसे कर सकते हैं, पर हमें इसकी एक बस पिक्चर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इमेज हम सेव करेंगे इसकी ना। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तो हमारा जो बैकग्राउंड का काम था वो क्लियर हो चुका है। अब आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि हम कलर्स कैसे दे सकते हैं पिक्चर्स को, और जो स्किन पर पिंपल्स वगैरह आते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और काली स्किन को वाइट कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम सीखेंगे अगली आने वाली क्लासेस में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।